बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वहारा वर्ग क्या है, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, ध्यान समझे सभी लोग। बच्चों नाम से है सर्व, सर्व मतलब होता ऑल। सर्वहारा वर्ग वैसा वर्ग जिसमें मजदूर, गरीब, कृषक, जो कम जो जो मजदूरी करते हैं, जो जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। बच्चों विभिन्न वर्ग जो मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जो अपना काम करके नौकरी का मतलब जीवन यापन करते हैं, क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग मतलब वैसा वर्ग जिसमें मजदूर होगा, क्या होगा बच्चों? दलित होगा, वंचित होगा, शोषित होगा, किसान होंगे, आम जनता होगा, ये सब बच्चों क्या होगा? बस नाम सर्वहारा वर्ग, इसमें जनरल लोग सब होते हैं, गरीब वर्ग होते हैं, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है वो सब वर्ग होते हैं, जो आम जनता जो मिडिल क्लास है, थर्ड क्लास है, वो सभी लोग आएंगे किसमें? सर्वहारा वर्ग में, समझ गए ना? किसमें आएंगे? सिंपल है, मजदूर आएगा ना, गरीब आएगा, किसान आएंगे, श्रमिक आएंगे, अमीर लोग इसमें नहीं आएगा, अमीर लोग इसमें नहीं आएगा, अमीर लोग अलग में आ जाएगा, वो सर्वहारा वर्ग में नहीं, अमीर इसमें आएगा। बच्चों ध्यान लिख देते हैं, समझो आएगा क्या बच्चों? मजदूर, बोलो मजदूर, और गरीब, फिर किसान, या किसान या श्रमिक बोल सकते हो, मजदूर को श्रमिक, श्रमिक आम आदमी, यस आम आदमी, आम आदमी, ध्यान समझो बच्चों, आम आदमी, ये सभी बोलो मजदूर, गरीब, आम आदमी, किसान, श्रमिक, समझे? ये सब वर्ग जो होते हैं बच्चों सर्वहारा वर्ग में आता है, समझे बात? ठीक है, चले बच्चों यही था सर्वहारा वर्ग, आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें देखो ये सब प्रश्न एकदम बहुत शॉर्ट पूछता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है? 20 शब्द में आपको लिखना होता है, लिख लोगे बढ़िया से, ठीक है?